हे गाइस, वेलकम टू MotorOctane। क्या हालचाल है आपके दोस्तों? आज मैं आपके लिए लाया हूँ XUV700 पे ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता थे या शायद नहीं पता थे। ओके, तो हमने इस पे ऑलरेडी 700 पे एक डिटेल रिव्यू बनाया है जो आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑन यूट्यूब। अगर 700 को आप सर्च करते हैं, वी हैव बीन ट्रेंडिंग, हमें काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए थे एंड मेनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स जो कन्फ्यूज थे कौन सी गाड़ी लेनी है, उनको वहाँ पर काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी थी। तो आज बात करने वाले हैं 700 XUV700 मार्केट में कब तक आएगी, क्या वेरिएंट्स में आएगी एंड मोर ओवर आपको क्या क्या यू नो ऑप्शंस मिलेंगे डेट वाइज। तो पहले बात करते हैं 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर से ये गाड़ी अवेलेबल रहेगी फॉर टेस्ट ड्राइव, यानी कि आप कोई भी महिंद्रा डीलरशिप जहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल रहेगी वहाँ जाके इसे टेस्ट ड्राइव कर सकते हो, इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। 2 अक्टूबर उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनका फाउंडर्स डे है महिंद्रा का। एंड अगर आपको नहीं पता और अगर आपको याद नहीं है तो लास्ट ईयर थार उसी डेट पे लॉन्च की गई थी मार्केट में, तो इस वजह से 2 अक्टूबर को उनको टेस्ट ड्राइव्स रखने हैं। 7 अक्टूबर जिस दिन से नवरात्र शुरू होते हैं या श्राद्ध एक दिन पहले जहाँ ख़त्म होता है, उस दिन से गाड़ी की बुकिंग्स शुरू हो जाएंगी। अब आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप इसे में बुक कर सकते हैं। एक तो उनका वेबसाइट है एंड डेफिनेटली द अदर ऑप्शन इज द डीलरशिप। उसके बाद 10 अक्टूबर को वो अनाउंस करेंगे कि ये गाड़ी की डिलीवरीज कब से शुरू होगी। तो आई थिंक दे माइट टेक अ टोटलिंग कि कितने लोगों ने बुक की है, कैसे बुकिंग आई है एंड उस हिसाब से वो डिलीवरीज अनाउंस करेंगे। हावेवर एक चीज़ यहाँ बता दूँ, कंपनी ने ये भी अनाउंस किया है कि इनिशियल फेज में जो गाड़ियाँ पहले आएगी, पहले लॉट में या पहली कितनी वो नहीं बताया, बट एटलीस्ट पहले जो बुकिंग्स उनकी आएंगी या डिलीवरीज आएंगी रादर, वो पेट्रोल की रहेंगी रादर देन डीजल। एटलीस्ट वो उन्होंने वहाँ पे कहा है। अब कितना पेट्रोल रहेगा, कितना डीजल रहेगा या सिर्फ पेट्रोल रहेगा, कितने नंबर तक पेट्रोल रहेगा, उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक अब जल्दी जल्दी हर चीज़ पर पर्दा उठने वाला है। ओके, सो इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं उस पर भी डिटेलिंग और आउट हो गई है और क्लैरिटी आ गई है। तो 5 सीटर है, 7 सीटर है। तो जो 5 सीटर आती है वो MX, AX3, AX5 वेरिएंट में आएगी, वेरस जो 7 सीटर आएगी वो AX7 में भी अवेलेबल कराई जाएगी। दोनों में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक्स देंगे डिपेंडिंग कौन कौन से वेरिएंट्स आप लेते हैं, अवेलेबल हैं इसमें। मैं आपके लिए वो लिस्ट छोड़ दूंगा यहाँ पे इन द वीडियो, तो आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी कि कौन से वेरिएंट में क्या क्या दिया गया है। और नेक्स्ट आपको और 2 एडिशनल ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप AX7 लेते जो टॉप एंड मॉडल आता है और ऑटोमेटिक लेते हैं डीजल का, तब आपको एक ऑप्शन आता है ऑफ गेटिंग एन ऑल व्हील ड्राइव। तो यानी कि आपकी AX7 डीजल ऑटोमेटिक रहेगी गाड़ी विथ ऑल व्हील ड्राइव का एक ऑप्शन उसमें। रादर देन दैट अगर आपको वो नहीं चाहिए, आपको एक और एक वेरिएंट आता है विच इज़ L। L स्टैंड फॉर लग्जरी या ऑप्शनल भी आप इसे पैक कर सकते हैं। तो ये पैक जो आएगा आपको पेट्रोल डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक सब में आएगा। हाउएवर द डिफरेंस विल बी, इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली जो टॉप एंड मॉडल है उसमें ये आप लग्जरी वेरिएंट ले सकते हैं या फिर ऑल व्हील ड्राइव ले सकते हैं, पर ऑल व्हील ड्राइव आपको सिर्फ डीजल ऑटोमेटिक में ही आएगा, वेयर एज लग्जरी आपको सब में आ जाएगा। तो अगर मैं एकदम प्राइसिंग की बात कर लूँ तो प्राइसिंग इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स आपको आ रहे हैं, जो आपको टेक्नोलॉजी आ रही है गाड़ी के अंदर, वो सब अगर आप यहाँ गिनते हैं, मिलते हैं, पेपर पे कैलकुलेट करते हैं, इट बिकम्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज इन इटसेल्फ। तो अब आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन से फीचर्स आपको कंसिडर करनी चाहिए, ये सब के लिए तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मैं 700 लूँ, सफारी लूँ, अल्कज़ार लूँ, इनोवा लूँ, और शुड आई जस्ट बाय अ 5 सीटर। तो आपके जो सवाल है हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं हर बार। उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ चले जाइए MotorOctane.com/car-consultancy, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए और जस्ट कॉल टाइम बुक कीजिए। तो वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, विराट से बात कर सकते हैं। काफ़ी लोग ना 2 कॉल्स लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहला कॉल लेते हैं, डिस्कशन हो गया हमसे, सब डिस्कशन हो गई, फिर जाके सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव करते हैं, सो दे आर मोर क्लियर इन देयर हेड कि ये गाड़ी ऐसे, ये ऐसा, ये ऐसा, एंड देन दे डू द सेकेंड कॉल, जिससे वो कहते हैं ना एकदम 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये ही गाड़ी लेनी चाहिए, दिस कार इज़ परफेक्ट फॉर मी। क्योंकि हर गाड़ी ना टेलर मेड कह सकते हैं इन अ वे। अब मान लीजिए अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स कुछ है और आपके रिक्वायरमेंट्स कुछ है, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स सेम गाड़ी में हर बार फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। और जिस कहना ये बेस्ट कार है इज़ नॉट एक्चुअली फिटिंग इन ऑल बिल्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड साथ में मोर ओवर आपको ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग कंटेंट आने वाले, क्योंकि अब दिवाली आ रही है तो बहुत सारी न्यू गाड़ियां मार्केट में आने वाली है इन द कमिंग फ्यू डेज। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।